हाय गाइस, दिस इज टीके बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ऐसी एयर कंडीशन शॉर्टलिस्टेड करके बताने वाला हूँ कि जिससे आप लोगों को लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सो मैं जो आज तीन एयर कंडीशन बताने वाला हूँ, तीनों 25 to 30,000 के रेंज में है और तीनों ही आप लोगों को मंथली इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएंगे विथ नो कॉस्ट EMI। तो जो तीनों ही एसी जो है कॉपर कंडेंसर है। कॉपर कंडेंसर क्या होता है, जब भी आप लोगों का जो पाइप है एसी का वो लीकेज हो जाता है तो वो इजीली जो है शोल्डिंग हो जाता है, यानी वो उसको मेल्ट करके शोल्ड किया जाता है। और अल्यूमिनियम जो कंडेंसर होता है वो कंडेंसर बहुत ही बेकार होता है, मीन्स वो अगर आप लोगों का ज्यादा सा भी लीकेज हुआ तो आप लोगों को पूरा अल्यूमिनियम कंडेंसर जो है चेंज करना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। और कॉपर में ऐसा नहीं रहता, कॉपर में वहीं के वहीं रिपेयर होकर आप लोगों को उसी वक्त वही कंडेंसर मिल जाता है। तो ये चीज रहता है दोनों में फर्क। इसके लिए कॉपर कंडेंसर मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि आप लोग वही लेना लोगे तो। और ये तीनों ही जो है मंथली इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, कम से कम मंथली इंस्टॉलमेंट 3,000 है, जो बहुत ही अच्छा है। मीन्स एयर कंडीशन आप लोग प्रीफर कर सकते हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये हमारे बस का नहीं है तो वो लोग कर सकते हैं, बिकॉज गर्मी का सीजन आ रहा है, आप लोगों को पता ही है कि गर्मी में हालत क्या हो जाती है। सो वीडियो को अच्छे से देखना, आप लोगों को तीनों एसी अच्छे से मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसे परचेस कर सकते हो और क्या क्या इसमें है। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हैं मैंने अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया हो, तो फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आप लोगों को लिखना है ओनिडा 1 टन सर्च में जाकर। 1 टन लिखकर आप लोगों को सर्च करना है, तो जो सबसे ऊपर आएगा ये ओनिडा 1 टन 2 स्टार BEE रेटिंग 2018, इस पर क्लिक कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग इसका प्राइस देख सकते हैं, 24,490 रुपीज़ ओनली है अभी। ये पूरा जो आप लोगों को इधर दिया है कॉपर कंडेंसर है ये भी, जैसा कि मैंने बताया था। सो इसका मैं आप लोगों को EMI बता दूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप लोग भर सकते हैं वो कम से कम कितना लेने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ में पता चलता है कि अगर आप लोग 6th मंथ का लोगे तो आप लोगों को 4,082 रुपीज़ पड़ेगा विथ नो इंटरेस्ट, और 3 मंथ का लोगे तो आप लोगों को 8,164 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को क्या अच्छा लगेगा, मीन्स आप लोग किस तरह से उसे अफोर्ड कर पाओगे। सो ये था हमारा फर्स्ट एयर कंडीशन। तो हमारा सेकेंड एयर कंडीशन है मीडिया 1 टन, ये आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने जो सबसे पहला आएगा, जैसे दिया था 3 स्टार कॉपर कंडेंसर, ऑटो रीस्टार्ट, स्लीप मोड, टर्बो मोड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं ये भी कॉपर कंडेंसर है, 20,999 रुपीज़ ओनली। सो इसका मैं सबसे कम आप लोगों को इंस्टॉलमेंट बता दूँ तो वो आप लोगों को बजाज के कार्ड पे मिल जाता है 6 महीने का 3,500 रुपये, यानी 3,500 फॉर 6th मंथ विथ नो इंटरेस्ट, यानी जो है आप लोगों का 21,000 उतना ही लगेगा। सो ये था हमारा सेकेंड एयर कंडीशन, तो ये भी कॉपर कंडेंसर ही है, 3 स्टार रेटिंग वाला है। अब हमारा जो लास्ट है, जो मैंने आखिरी आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्टेड किया वो बता देता हूँ। आप लोगों को सर्च में जाके कैरियर 1 टन स्प्लिट एसी डालना है, तो ये आप लोगों के सामने जो सबसे पहला आएगा वही है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया 3 स्टार है ये भी, और कॉपर कंडेंसर है, ऑटो रीस्टार्ट, स्लीप मोड, टर्बो मोड। टर्बो मोड क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टर्बो मोड जो है फास्ट कूलिंग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही फटाक से जितना उसके पास पावर है वो सब पावर लगा के आप लोगों के लिए वो कूलिंग पूरी प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके बाद आप लोग उसे रूम टेम्परेचर पे सेट कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कूलिंग कर देता है टर्बो मोड पे, और कम से कम किसी में 16 डिग्री चले जाता है, किसी में 18 डिग्री चले जाता है। तो ये एयर कंडीशन के ब्रांड पे डिपेंड करता है। अब जहाँ हम इसके नो कॉस्ट EMI की बात करें तो ये हमें मिल जाता है बजाज के कार्ड पे विथ 2,416 रुपीज़। ये बहुत ही बेस्ट डील है, अभी तक के जितने एयर कंडीशन बताया मैंने उन दोनों में से ये तीसरे का। तो इसमें आप लोगों को 12 महीने तक भरना है 2,416 रुपया, जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट 1 रुपया नहीं लग रहा है, जो है 28,990 उतना ही देना है आप लोगों को। सो ये डील भी बहुत ही बेस्ट लगी है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी सब क्रेडिट कार्ड का दिया गया रहता है, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो यही थी हमारी तीनों एयर कंडीशन। तो सो गाइस, यही थी वो तीनों एयर कंडीशन, तीनों ही स्प्लिट एसी है, सो बहुत ही अच्छी है तीनों, और तीनों 2018 का ही मॉडल है, न्यू मॉडल है, जनवरी फरवरी मार्च ये तीनों मंथ में अलग अलग लॉन्च हुआ है। सो आप लोगों को जो बेस्ट लगती है आप लोग वो इजीली ले सकते हैं, आप लोगों को पता है गर्मियों में क्या हालत हो जाती है, तो एयर कंडीशन आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को भी ठीक रखता है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सी डिजीज नहीं होती है। सो एयर कंडीशन में लेना एक तरह से अच्छा भी, एक तरह से बुरा भी है, बट मैं तो ज़्यादातर अच्छा ही समझूंगा, बिकॉज आज के डेट में जो क्लाइमेट चल रहा है उस हिसाब से। सो आप लोगों को समझना है कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है, तो मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए 3 शॉर्टलिस्टेड किया, ताकि आप लोगों को उसे परचेस करने में भी ईजी पड़े और कोई आप लोगों को डिफिकल्टीज ना हो, कि आप लोगों ने मीन्स कुछ गलती तो नहीं कर दी कि आप लोगों को कौन सा चाहिए था या कौन सा ले लिया। इसके लिए मैंने आप लोगों को पूरा फीचर समझा दिया कंडेंसर का भी और इन्वर्टर का भी। सो
इन्वर्टर का आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे, मैंने बताया उसमें पहले की वीडियो में। सो यही था हमारे आज की वीडियो में गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाजू में घंटा घंटा याद से दबाना। मैं अभी तो स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं इसके लिए फिर आदत हो गई ऐसा करने की, स्टूडियो में नहीं हूँ बिकॉज वहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस चल रहा था, इसलिए मैं दूसरे रूम में शूट कर रहा हूँ। सो यही था हमारे आज के वीडियो में गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।